हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज वीडियो लेके फिर हाजिर हैं, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में एंड तक। आज एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बिरयानी बनाना दिखाऊंगी आप लोगों से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर हम कढ़ाई चढ़ाए हुए हैं, थोड़ा सा तेल सरसों का डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा डाल। ये हम लहसुन छील कर रखे हैं, 2 से 3 अदरक है, थोड़ा सा सौंफ है। तो चलिए इसको आज हम ना रोस्ट करके बिरयानी दिखाएंगे आप लोगों से। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देते हैं ये सब। इसमें मैं टमाटर को भी डाल दूँ, ये हल्का सा रोस्ट हो चुका है, इसको सारे को निकाल लेते हैं। जब तक ये ठंडा हो रही है तब तक हम दूसरा कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालते हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसमें 1 चम्मच नमक। इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जब तक इसको फ्राई करते हैं तब तक हम ये टमाटो को पीस लेते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया भी पीस लेते हैं। तो ये फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल। अब दूसरा कढ़ाई चढ़ाए हुए हैं, इसमें डाल, इसमें अब प्याज को डाल देते हैं। तो हमारा प्याज लाल हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हम तेजपत्ता डाल, 1 चम्मच जीरा, इसी में 3 इलायची है, लौंग है, दोई है, डाल देते हैं दालचीनी। इसी में अब प्याज, तो थोड़ा सा हमारे गोल्डन कलर की ये हो चुका है। पहले इसमें ना दही को डाल दे, पीसी हुई जो दही था, टमाटर, 1 चम्मच अलग से लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हरी इलायची का पाउडर, बिरयानी मसाला। तो ये भून चुका है, ये अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डाल देते हैं चिकन। अब डाल रहे हैं, ध्यान रखें, एक बार डाल चुकी हूँ फ्राई के टाइम, थोड़ा सा गरम मसाला और डाल रहे हैं, नारियल का बुरादा है। अब इसमें पानी डाल रहे हैं पकने के लिए, थोड़ा सा, थोड़ा और डाल रहे हैं। इसको पकने के लिए ढक देते हैं। ये पानी के लिए, चावल के लिए पानी चढ़ाए हैं, इसमें डाल रहे रिफाइंड, ये लवंग है, दालचीनी है, 1 हरी इलायची है, नमक, और ये चावल हम धो के अच्छे से वॉश करके रखे हुए हैं, इसमें डाल देते हैं। पानी हमारा गर्म है, इसको चला देते हैं। चिकन हमारा तैयार है, इसमें मिला लेते हैं धनिया। चिकन तैयार हो चुका है, चावल बस डालना। तो चावल ना हो चुका है, मैं आधा बनाई हूँ, आधा कच्चा है। अब डालते हैं गोश्त, अब डालते हैं चावल, थोड़ा सा कलर, सौंफ का पाउडर, रोस्ट किया हुआ प्याज, धनिया। इसमें 1 नींबू चाहिए था बट नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं है, आपके पास होगा तो ज़रूर डालिएगा। इसको 2 मिनट के लिए गैस पे चढ़ा देते, इसको मिला देते हैं। तो कैसी लगी हमारी ये छोटा सा रेसिपी, ज़रूर कमेंट करिएगा। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।